निशा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं कि मैंने पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा कैसे की। पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की विदाई की पूजा होती है। अगर आपने एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह नहीं कर पाए हैं तो आप पूर्णिमा के दिन भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं, क्योंकि विदाई करने से पहले तुलसी माता का विवाह करना जरूरी होता है। तो आज मैं सबसे पहले तुलसी जी का विवाह करूंगी भगवान विष्णु के साथ, और उसके बाद विदाई करेंगे। तो पूरी पूजा मैंने कैसे की वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। पूजा शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर रंगोली बना रही हूँ, क्योंकि रंगोली बनाना शुभ होता है, इसलिए रंगोली बनाने के बाद ही मैं पूजा को स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको पूजन सामग्री दिखा रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा पूजन सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही कम सामान से आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। तो मैंने ये एक चौकी बिछा ली है, उस पर पीले रंग का कपड़ा डाल दिया है, और मैंने ये कलश भी रखा है। तो सबसे पहले हम गंगा जल से आचमनी करेंगे, और सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुमकुम हल्दी तुलसी जी को लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम विवाह कर रहे हैं इसलिए हल्दी लगाना शुभ होता है। तो अब मैंने तुलसी जी को ये चुनरी उड़ा दी है। तो यहाँ पर मेरी तुलसी जी छोटी सी हैं, और अब मैं इनको ये चूड़ियाँ पहना रही हूँ। और मैंने यहाँ पर ये बिंदी भी लगा दिया है। तो आप तुलसी जी को अलग अलग तरीके से सजा सकते हैं। तो मेरी तुलसी जी यहाँ बहुत छोटी सी हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा श्रृंगार नहीं कर पा रही हूँ, जितना हो पाया है बस उतना ही किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी श्रृंगार का सामान है वो मैंने तुलसी माता को अर्पित कर दिया है। अब मैं इनको फूल अर्पित कर रही हूँ। और इनको सुंदर तरीके से सजा रही हूँ। तो अब तुलसी माता बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब हम यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको कुमकुम हल्दी लगा दिया है, और अब मैंने ये इनको वस्त्र भी पहना दिए हैं, और वस्त्र के रूप में मैंने इनको मौली भी अर्पित कर दिया है। माता तुलसी को भी मौली अर्पित कर दिया है। तो हम यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। आप अब मैं भगवान विष्णु को दीपक दिखा रही हूँ, और अब मैंने फूल अर्पित कर दिए हैं भगवान विष्णु को। तो अब हम इनकी वरमाला कराएंगे। तो तुलसी जी से छुआ कर मैंने भगवान विष्णु को वरमाला पहना दिया है, और भगवान विष्णु से छुआ कर हम तुलसी जी को वरमाला पहना दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों भगवान जी का वरमाला हो गया है। अब हम इनका गठबंधन करेंगे। तो मैंने ये एक हल्दी की गांठ और सिक्का इस चुनरी में बांध करके दोनों भगवान जी का गठबंधन कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने गठबंधन कर दिया है।
और अब मैं भगवान विष्णु से छुआकर तुलसी जी को सिंदूर अर्पित कर रही हूँ। तो पहले हम 5 बार लगाएंगे सिंदूर तुलसी जी को, उसके बाद दोबारा जितनी भी पत्तियां हैं तुलसी जी की सब पर सिंदूर लगाएंगे। और इसी सिंदूर को खुद लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ पर भोग अर्पित कर रहे हैं, तो इसमें सेब, केला और आंवला है, जो भी ऋतु फल आपके पास है आप उसको चढ़ा सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर विष्णु जी को भोग अर्पित कर दिया है, तुलसी माता को मैं भोग अर्पित कर रही हूँ। पूर्णिमा के दिन पूरी हलवा का भोग जरूर लगता है तुलसी जी को। तो मैंने पूरी हलवा का भी भोग लगा दिया है। तो यहाँ पर अब विवाह संपन्न हो गया है, अब हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी का आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु का आरती करेंगे और फिर तुलसी जी का आरती करेंगे। तो विवाह संपन्न होने के आधे घंटे बाद हम तुलसी जी की विदाई करेंगे। तो तुलसी जी की विदाई के वक्त आपको क्या करना है कि तुलसी जी का स्थान को चेंज कर देना है। तो अब हम क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो इस पूजा को करते समय, उसके लिए हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। तो यहाँ पर मैं तुलसी जी का स्थान चेंज कर रही हूँ, यानी कि विदाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि तुलसी जी का स्थान मैंने अब चेंज कर दिया है और तुलसी विवाह और विदाई दोनों संपन्न हो गया है। तो ये पूजा का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त रेड कलर का बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं कभी भी कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।